फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं कि मैकबुक में गूगल क्रोम किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है और इसकी बेसिक सेटिंग्स क्या होती हैं। यहाँ पे मेरे पास सफारी मौजूद है, इस पर मैं google.com खोलता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ गूगल क्रोम। ये स्टार्ट में ऑप्शन आ जाता है आपके पास, ये डाउनलोड आप यहाँ से भी कर सकते हैं और नीचे से इसकी वेबसाइट भी खोल सकते हैं, एक ही बात है। यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, एक्सेप्ट एंड इंस्टॉल करें तो ये फाइल हमारे पास डाउनलोड हो रही है अभी। ये देखें, फाइल हमारे पास डाउनलोड हो गई है। अभी मैं सफारी को बंद करता हूँ और यहाँ पे ये हमारे पास जो डाउनलोड का फोल्डर है इसमें आ गई है। इस पर डबल क्लिक करके सेटअप को ओपन करें। ये फाइल्स को वेरीफाई कर रहा है। यहाँ पे आपने जो करना है, ये गूगल क्रोम का जो आइकन है इसको आपने एक क्लिक के साथ उठा के ये एप्लीकेशन वाले फोल्डर में ड्रॉप कर देना है और ये इसकी इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है। और ये हमारा जो गूगल क्रोम है ये अभी इंस्टॉल हो गया है हमारे पास लॉन्चर पैड में, ये यहाँ पे आ गया है। अब इसकी जो बेसिक कुछ सेटिंग है वो ये है कि पहले आप मैकबुक की यहाँ से सेटिंग खोलें अपनी, सेटिंग के अंदर जनरल, और यहाँ पे आपके पास जो डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र आ रहा है वो सफारी आ रहा है, वो अभी आप देख लेंगे। अगर तो आप सफारी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इसको गूगल क्रोम में भी चेंज कर सकते हैं। तो अभी जो ये हमारा डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र हो गया, अदरवाइज़ ये यहाँ पे भी ऑप्शन दे रहा है तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो सबसे पहले देखना है, लाइक हमारे पास ये जो आ रहा होता है ना सर्च बार ऊपर वाला, यहाँ पे एक चीज़ तो ये होती है लाइक, जैसे मैं लिख रहा हूँ www.google.com, ठीक है। यहाँ पे हम पूरी अपनी वेबसाइट भी लिख सकते हैं, ये खुली नहीं है अभी, सॉरी ये स्पेलिंग गलत लिखा गया है। ओहो अच्छा, यहाँ पे हम वेबसाइट भी लिख सकते हैं लेकिन इसके साथ, और नॉर्मली जब हमें कुछ सर्च करना होता है तो हम google.com खोल के फिर यहाँ से सर्च करते हैं जो भी हमने सर्च करना होता है। लेकिन इसका ये जो वाला ऑप्शन होता है ना, यहाँ पे अगर आपने वेबसाइट नहीं लिखनी तो यहाँ से डायरेक्ट भी सर्च दबा सकते हैं। लाइक मैंने अगर BBC न्यूज़ सर्च करना है तो यहाँ पे सिर्फ इतना लिखूँगा, एंटर का बटन दबाऊँगा और ये सर्च हो गया। और ये जो वाला सर्च होता है ये गूगल से ही होता है, इसकी सेटिंग हम चेंज कर सकते हैं, वो आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, लाइक हमें google.com खोल के फिर वहाँ पे सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी एक चीज़ है इसमें, इसकी हम सेटिंग्स देखते हैं यहाँ से, इसको फुल स्क्रीन करूँ। सेटिंग में जो यहाँ पे है ये, अगर आपने न्यू टैब खोलनी है, एक यहाँ पे आपके पास एक न्यू टैब खुल गई है, साथ में न्यू विंडो खोलनी है, लाइक ये एक विंडो तो मेरे पास खुली हुई है, अगर इसको थोड़ा छोटा करूँ, अगर विंडो पे क्लिक करूँगा तो ये एक नई विंडो मेरे पास खुल जाएगी। और इसमें एक तीसरी चीज़ होती है, इनकॉम्पिटेंट न्यू विंडो, ये ऐसे में होता है अगर आपने किसी दूसरे का कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी हिस्ट्री और पासवर्ड वगैरह किसी के पास सेव ना हो तो आप इस पर सर्च करेंगे। लाइक ये मेरा जीमेल का अकाउंट है, इसको मैंने खोला है, google.com खोल के अगर यहाँ पे मैं साइन इन करता हूँ और मैं बेशक जैसे ही अपना जो मर्जी पूरा अकाउंट एंटर करूँ तो, लेकिन मैं जैसे ही इसको यहाँ से क्रॉस से एंड करूँगा ये मेरी सारी हिस्ट्री रेज कर देगा, मुझे इसके लिए वरी होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कोई भी हिस्ट्री सेव नहीं होती, कोई डाटा सेव नहीं होता, कोई आपका पासवर्ड सेव नहीं होता। यहाँ पे नेक्स्ट आपका हिस्ट्री का ऑप्शन है, डाउनलोड फोल्डर है,
बुकमार्क्स आपके सारे यहाँ पे आ रहे होंगे इस वाले में, अभी क्योंकि हमारे पास कोई है नहीं इसलिए नहीं आ रहा। नीचे से अगर आपने कोई पेज प्रिंट करना है, फाइंड करना है, लाइक ये वाला पेज है जो मेरे पास खुला हुआ है, यहाँ पे मैं फाइंड क्लिक करूँगा तो मैं इसके ऊपर लिखता हूँ इंडिया, तो ये पेज में जहाँ जहाँ भी इंडिया लिखा हुआ है ये सारा आपको शो करवा देगा। इससे हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है इनको अभी हमने देखना है, सेटिंग को बाद में करते हैं डिस्कस। और एक और चीज़ है ऊपर गूगल, लाइक मैंने ये वेबसाइट खोली है और मैं इसको बुकमार्क्स में ऐड करना चाहता हूँ, तो ये देखिए मेरे पास मैंने स्टार पे क्लिक किया तो बुकमार्क में ये बुकमार्क बार में सेव होने का ऑप्शन आ गया, और सेव हो गया, अभी मेरे पास शो नहीं हुआ। इसके लिए हम यहाँ से सेटिंग खोलते हैं। सेटिंग में कुछ जो बेसिक सेटिंग्स है वो हैं, ऊपर आपके पासवर्ड शो होंगे जो भी आपने उसमें एंटर किए हुए हैं, और टर्न नॉट ऑन सिंक्रोनाइज उस टाइम ऑन होगा जब आप गूगल अकाउंट से साइन इन होंगे। नीचे एड्रेसेस वगैरह जी आपका डाटा लॉग इन होने भी आएगा। यहाँ से आप इसका थीम चेंज कर सकते हैं, शो होम बटन इसको आप ऑन कर लें। ये देखें अभी यहाँ पे कोई बटन नहीं है, इसको मैं ऑन करूँगा तो ये एक होम बटन आ गया। ये क्या चीज़ है एक्चुअली, ये ऐसी है कि मैं इस पर क्लिक करके जहाँ पे एक वेबसाइट लिखता हूँ google.com, ठीक है। अब इस पेज को यहाँ से मैं जब भी क्लिक करूँगा तो ये google.com डायरेक्टली खुल जाया करेगा सिर्फ इस होम बटन को दबाने से। इस पे नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो जूम का है, जूम अगर किसी वेबसाइट को आपने करना है, गूगल क्रोम डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र हमने कर लिया है। और ये थर्ड वाला ऑप्शन है कि लाइक जब हम इसको ब्राउज़र को क्लोज कर देते हैं, बंद कर देते हैं, जब दोबारा चलाएंगे तो आप क्या देखना चाहते हैं कि आपका बिल्कुल एक नया ब्राउज़र खोले, पुरानी हिस्ट्री वगैरह कुछ भी ना हो, या कंटिन्यू जहाँ से आपने बंद किया था वहीं से ओपन हो, तो वहीं से आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ये नीचे लोकेशन में आपके पास फोल्डर है कि आप अपना जो भी डाउनलोड करें उसको कहाँ पे आप सेव करना चाहते हैं, इसको आप कोई भी उसकी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा एक न्यू चीज़ है, शो बुक मार्क्स बार, इसको आपने यहाँ से ऑन कर देंगे तो जो बुक मार्क्स से आपके पास शो होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे मैं एक और वेबसाइट खोलता हूँ बीबीसी न्यूज़ की, लाइक ये एक और वेबसाइट है, इसको भी मैं बुक मार्क पे यहाँ पे ऐड करता हूँ। तो अब ये मेरी मर्जी है कि इसी बुक मार्क के ऊपर मैंने ऐड करना है या न्यू फोल्डर क्रिएट करना है। यहाँ पे मैं फोल्डर भी क्रिएट कर सकता हूँ, लाइक मैं एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ जिसका नाम रख देता हूँ न्यूज़, तो मेरे जितने भी सारे न्यूज़ वाले पेजेस होंगे वो इसके अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे अगर मैं मेरे पास कोई और न्यूज़ है लाइक पीटीवी न्यूज़, तो पीटीवी खुल गया और इसको जब मैं स्टार पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास यहाँ से ऑप्शन आएगा बुकमार्क बार पे मैंने सेव करना है या किसी फोल्डर में करना है, यहाँ पे न्यूज़ भी ऑलरेडी टिक है, डन करूँगा तो ये इसके अंदर आ गया। तो ये था छोटा सा क्रोम को यूज़ करने का तरीका, होपफुली जी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा, जरूर इसको यूज़ करें और कमेंट्स में बताएँगे आपको कैसा लगा। और इसका एक डिसएडवांटेज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैकबुक पे जो क्रोम है ये बैटरी आपकी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है, इसलिए मेरी तरफ से रिकमेंडेड बिल्कुल भी नहीं है आप इस पर सफारी इस्तेमाल करें। सफारी पे एक मैंने वीडियो भी बना रखी है, और एक तो ये इस पर फास्ट बहुत ज़्यादा है, कंपेटेबल है और बैटरी बहुत कम खाता है। बाकी आपकी चॉइस है। ओके।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।